हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने सिरसा में अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन कार्यालय में बाबा साहिब की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर गोपाल कांडा ने बाबा साहिब के आदर्शों और मूल्यों से रूबरू कराते हुए कहा कि बाबा साहिब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र थे। देखिए रिपोर्ट। बाबा साहिब की प्रतिमा का अनावरण एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने किया अनावरण। निजी कोष से स्थापित करवाई प्रतिमा। गोपाल कांडा ने बाबा साहिब के चरणों में किया नमन। गोपाल कांडा ने बाबा साहिब के आदर्शों का किया जिक्र। हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा हमेशा से जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाते रहे हैं। बात चाहे जन सरोकार के मुद्दे उठाने की हो या फिर महापुरुषों को सम्मान देने की, गोपाल कांडा हमेशा से बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। इसी सिलसिले में एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा सिरसा में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन के शाखा कार्यालय पहुँचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और बाबा साहेब के चरणों में नमन भी किया। इस मौके पर गोपाल कांडा ने कहा कि देश बाबा साहेब जैसे महापुरुषों के योगदान को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने बाबा साहेब के आदर्शों और मूल्यों का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र थे। बाबा साहेब ने वंचितों को अधिकार दिलाने का महान काम किया। इस अवसर पर गोपाल कांडा ने ये भी कहा कि अपने विधायक कार्यकाल के दौरान उन्होंने सिरसा के सभी चौक चौराहों का सौंदर्यकरण कराने का काम किया था। उन्होंने सिरसा रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन के कार्यों की भी सराहना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात अपने इस मुख से उनकी गरिमा का गुणगान मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कर सकता हो, क्योंकि जो कुछ उन्होंने दिया वो अपने आप में एक पूरा राष्ट्र थे, एक इंसान नहीं, एक इंसान के रूप में उनको हम देख रहे हैं, पर उन्होंने जो इस देश को दिया वो किसी भगवान से कम नहीं। गोपाल कांडा ने बाबा साहेब की प्रतिमा अपनी निजी कोष से स्थापित करवाई, साथ ही एसोसिएशन के कार्यालय में फर्नीचर आदि की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने 51,000 का अनुदान देने की घोषणा की है। गोपाल कांडा ने चतरगढ़ पट्टी में बनने वाले भगवान वाल्मीकि मंदिर के लिए भी 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया। वहीं रेलवे एसोसिएशन ने गोपाल कांडा की सामाजिक सेवाओं को सराहा और गोपाल कांडा के समर्थन का ऐलान भी किया है। सिरसा से अमित तिवाड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।